हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों एक बैंगन की खेती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैंगन का खेत है। यहाँ किसान लोग अपना लगे हैं, निराई गुड़ाई कर रहे हैं सब। ये बैंगन की खेती है दोस्तों, बैंगन की खेती। हाँ बैंगन की खेती, हाँ आई गल तहस कर। बैंगन की खेती बहुत ही आसान होता है एक तरह से, और इसमें दवा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ कीट इस पर ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि बारिश का ये पौधा है तो बारिश के पौधे में कीट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप रहता है। पौधे पे कीट का जैसे कि पत्ते छेद देते हैं और फूल को नष्ट कर देते हैं। और ये पौधे लगे हुए हैं पूरे लाइनिंग से लगे हैं, कितने डिस्टेंस है, 5 फीट के लगभग नियर अबाउट डिस्टेंस है इसमें। और पूरे खेत में आप देख सकते हैं पौधा बिल्कुल स्वस्थ है इस समय, तो अभी स्वस्थ है पौधे। और बैंगन में काफ़ी प्रकार के तरह तरह के रोग भी लगते हैं दोस्तों, तो ये बहुत बारीकी से इसका खेती करना पड़ता है, समय समय से इसका ध्यान रखना पड़ता है, समय समय से आना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। आप देख रहे हैं इस समय तो बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है पौधा, मगर जब ये फल छोड़ने लगता है तब कीटों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप रहता है दोस्तों। इस पर कीटों का प्रकोप रहता है तो जो फल लगते हैं तो फल में छेदे हो जाते हैं, तो मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रहती है, मार्केट में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों किसानों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है, लागत निकालने के लिए भी सोचना पड़ता है कि लागत कैसे निकले, क्योंकि जब फल आपका छेदा रहेगा तो मार्केट में आपके जो फल होंगे उसका वैल्यू नहीं रहेगा, आपके साग सब्जी का वैल्यू नहीं रहेगा, कोई ख़रीदारी नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में किसानों को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है दोस्तों, मगर उसके लिए कीटनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए, और कीटनाशक दवा का उपयोग शाम को करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। भराई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, फल तोड़ने से पहले दोस्तों उसका भराई करके, और जिंक उपयोग कर देना चाहिए। जिंक उपयोग करने से क्या होता है दोस्तों, पौधे जो फल लगते हैं, सब्जी लगती है, वो उसमें लाइटिंग होता है, शाइनिंग हो जाता है। तो मार्केट में जाने के बाद पौधे जिसमें चमक धमक होता है फल में, वही फल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और वही ख़रीदते हैं। तो दोस्तों हमको चाहिए, किसानों को चाहिए एक अच्छी रेट चाहिए। तो रेट लेने के लिए किसानों को मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस हिसाब से हमको खेती करना है कि जिससे हमारा लागत भी अच्छे से निकल जाए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।